तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बातचीत करने जा रहे हैं वीजीए माइक्रो प्रोग्रामिंग से, और आज हम एक प्रोजेक्ट के ऊपर करेंगे। आज की जो टॉपिक है अतीश जी, नवीन जी और बाकी लोग, थोड़ी सी आगे की टॉपिक भी हो सकती है क्योंकि तो प्रोजेक्ट में कुछ डिमांड है। इसलिए सबसे पहले हम प्रोजेक्ट को समझते हैं कि क्या है। बहुत अच्छी प्रोजेक्ट है, और जैसे कि नवीन जी ने बताया कि अगर उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो उनका 3-4 घंटे का टाइम बच जाएगा। तो चलिए उनके 3-4 घंटे का टाइम हम बचाते हैं, क्योंकि तो मेरा स्लोगन ही है डू स्मार्ट वर्क नॉट ए हार्ड वर्क, क्योंकि हार्ड वर्क तो गधा भी करता है। थैंक यू सर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये फोल्डर में, हालांकि उन्होंने 4-5 फाइलें मुझे भेजी है, ऐसे उनके पास 4-5, 40-50, 400-500, 5000 फाइलें पड़ी है, और उन फाइलों में से डेटा को कॉपी करना है। कुछ इस तरह का डेटा है, इस डेटा को कॉपी करके एक के नीचे पेस्ट करना है, राइट। और साथ में जिस फाइल से डेटा पेस्ट हुआ है उस फाइल का नाम लास्ट वाले कॉलम में चाहिए। तो प्रॉब्लम यहाँ पे है कि फाइल फोल्डर में कितनी फाइलें हैं वो नहीं पता। तो सबसे पहले हमें माइक्रो ये जानना होगा कि हाउ कैन गेट द फाइल नेम, लिस्ट ऑफ द फाइल नेम इन द फोल्डर। सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है, इस पे सॉल्यूशन करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था कि हम वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है कि हमें पता कैसे लगेगा कि फोल्डर में कितने नंबर ऑफ फाइल है और उनके नाम क्या है। इसके लिए हमें DIR फंक्शन दिया, VBA का फॉर्मूला होता है DIR, वो जानना होगा। इसलिए उसी को पहले एक्सप्लेन करता हूं। गेट डेटा करके हमने नाम दिया, ब्रैकेट ओपन क्लोज, राइट। अब यहां पे मैं देता हूं एक ब्रेव वर्ड की डिफ डिम एफ एन एज ए स्ट्रिंग। हमने स्ट्रिंग क्यों दिया यहां पे, बताएंगे अतीश जी, मैं स्ट्रिंग क्यों ले रहा हूं सर? मैं यहाँ पे स्ट्रिंग क्यों लिया, क्योंकि ये फिक्स नहीं है कितना होगा, आई थिंक रेंज है ना सर, ये रेंज है। नहीं, ये आपने जो पाथ लेना है वो टेक्स्ट फॉर्म में आएगा, इसलिए स्ट्रिंग लेना। पाथ नहीं, हमें फाइल का नेम लेना है, ऐसे फाइल नेम, हमें तो फाइल का नाम ही चाहिए ना, पाथ तो हमारे पास है ही ना। यस, पाथ तो हमारे पास फिक्स है ना, क्योंकि फोल्डर तो फिक्स है, एक ही फोल्डर है। पाथ अलग अलग, फाइल नेम अलग अलग है ना, तो स्ट्रिंग क्यों लिया, क्योंकि फाइल नेम मिला है, फाइल नेम टेक्स्ट होता है, और ये चीज मुझे कंफर्म है इसलिए मैंने स्ट्रिंग लिया। अगर मुझे कंफर्म नहीं होता है कि यार क्या हो सकता है कि सर कुछ लाता, तो क्या करते हैं हम वेरिएंट लेते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में समझाया था आपको, ओके। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन होता है DIR, इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टिव फंक्शन। तो FN इक्वल टू, जो फंक्शन है फॉर्मूला है तो किसी किसी वेरिएबल पे लगेगा, याद रखिएगा, चाहे एक्सेल वर्कशीट का फॉर्मूला हो या VBA का फॉर्मूला है, अप्लाई करने के लिए एक सेटिंग लोकेशन चाहिए, चाहे रेंज ले लें या कोई वेरिएबल ले। तो हमने FN वेरिएबल ले लिया, DIR इसे पूछता है पाथ, हमने पाथ दे दिया। अब इस पाथ का कौन सा फाइल चाहिए, तो आप देखिए कि आपका फाइल का एक्सटेंशन क्या है, मोस्टली फाइल का एक्सटेंशन क्या है। तो फाइल का एक्सटेंशन है हमारा, एक मिनट मुझे इसका राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी .xlsx, ठीक है। तो यहां पे हम जो हमारा लाइक कमांड होता है ना, स्टार .xlsx कर दिया। अब यहां पे पूछता है टाइप कि क्या है आपका एट्रीब्यूट क्या है, तो हमने भाई नॉर्मल फाइल लेना है, ओके। अब क्या होगा कि अगर मैं यहां पे करूं MSG बॉक्स और SN करूं, तो आप देखेंगे ये पहली फाइल का नाम दे दिया, देखिए मुझे तो सारे फाइल का नाम चाहिए। तो DIR के अंदर ऐसी खासियत होती है कि मैं DIR क्या करता है कि पूरा का पूरा फाइल का लिस्ट अपने पास रख लेता है, बट देता हुआ एक ही है, दूसरा फाइल नेम चाहिए तो वापस DIR ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दीजिए, मतलब इसको रीलोड कहते हैं, रीलोड कर दीजिए। अब यहां पे देखिएगा मैसेज बॉक्स में कि दूसरा फाइल नेम देगा,
ये पहला फाइल नेम दिया, अब देखिए दूसरा फाइल नेम दे दिया, तो मतलब कि जितने नंबर ऑफ फाइल है उतना बार रीलोड करना होगा। अब यही तो कंफ्यूजन है कि कितने फाइल नेम है मुझे नहीं पता, तो यहां पे लूप लगाना होगा, डू वाइल एफ एन नॉट इक्वल टू ब्लैंक लूप, और यहां पे हम कर देंगे रेंज ए 65,000 डॉट एंड एक्सलेस आप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट वैल्यू इक्वल टू एसेट। अब मैं इसको एक बार प्ले कर दूं तो आप देखेंगे कि सारे फाइल लिस्ट आ गया। अब आप लोगों के पास कंफ्यूजन होगा कि डू वाइल क्या करता है, तो पहले जानिए लूप। लूप क्या करता है, जैसे कि एक ही चीज को बार बार रिपीट करना है हमको, जैसे कि हमें इसको एसएन को इस लाइन दो लाइन को कई बार रिपीट करना है, जितना बार रिपीट होगा उतनी बार नई फाइलें आएगी, लेकिन हमें रिपीट करने के लिए हम बार बार नहीं लिखें। हालांकि अगर लूप ना लगा तो मुझे बार बार लिखना पड़ता, बट यहाँ पे डायनेमिक नहीं होता है कि कैसे पता चलेगा कि इसमें कितने नंबर फाइल है, तो पहले मुझे फाइल देकर उतना बार कोड को रिपीट करना पड़ जाएगा ना, इसलिए मैंने लूप लगाया। तो लूप होता है रिपीट करने के लिए। लूप दो तरह के होते हैं, एक होता है फोर, दूसरा होता है डू। फोर का पहला होता है जैसे आई, इसमें आप देना होता है आई 1, 2 चले 10, या इच होता है कि इच वर्कबुक, इच सीड, इच सेल्स, इच रेंज, इच आइटम। तो इन दोनों में क्या होता है कि हमें बताना होता है कि भाई कितना बार चलना है, लेकिन डू वाइल जो होता है डू अंटिल होता है, इसको बताना नहीं होता, इसको कंडीशन देना होता है। भाई जब तक एक कंडीशन है तब तक चले, जैसे हमने बोला कि भाई कब तक चलना है, जब तक कि एफ एन नॉट इक्वल टू ब्लैंक हो जाता है। तो जैसे ये सारे फाइल जब खत्म हो जाएगा तो डी आई आर वर्क फंक्शन एफ एन के ऊपर ब्लैंक डाल देगा। जब ब्लैंक डालेगा तो वाइल देख लेगा कि यार ये तो नॉट इक्वल टू ब्लैंक नहीं, कंडीशन फुलफिल हो गया, चलो लूप से बाहर निकलो। तो डी आई आर फंक्शन एंड डू वाइल लूप, समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। किसी को कंफ्यूजन? तो जो फाइल, अब देखिए मेरे पास पाथ अवेलेबल है, मेरे पास फाइल लिंक विथ एक्सटेंशन एस एन के ऊपर है। तो अब मैं इसको यहां पे रीड करवाने के बजाय मैं इसको ओपन करवा लूंगा। मैं करूंगा कि वर्क बुक्स डॉट ओपन, और ओपन क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि मुझे जैसे डेटा को कॉपी करना है, और जाहिर सी बात है कि जब तक मैं फाइल ओपन नहीं करूंगा तब तक हम डेटा कॉपी नहीं कर सकते। अब ये फाइल को ओपन कर दिया और पहली शीट पे हमें जाना है, तो शीट आई डॉट सिलेक्ट और कंट्रोल ए करना है, तो रेंज रेंज ए 1, क्या लिखेंगे इसमें कंट्रोल ए करने के लिए? करंट रिजल्ट जी, आप बताइए कंट्रोल ए करने के लिए क्या लिखेंगे? सिलेक्टेड रेंज। क्या सिलेक्ट रेंज होगा ना सर? मैं आप भूल गया सब कुछ, शुरू से पूरा वीडियो की क्लास उसके देखिए सर। ओके अतीत जी, आप बताइए क्या रखेंगे? सर करंट रीजन। जी हाँ, करंट रीजन, सिलेक्शन मेथड की क्लास भूल गए? राइट। करंट रीजन डॉट कॉपी, कॉपी कर लिया।
अब आपका जो ये फाइल है जिसपे हमें सेव, ये फाइल तो सेव नहीं कर रखा ना मैंने, इसको सेव कर देता हूं मैं, इसका सेव कर देता हूं भीम सिंह जी। सर गुड इवनिंग, मैं तो आपका वेट ही करता रह जाता सर। सर आप जूम ज्वाइन क्यों नहीं करते हैं? अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं आपका नाम ग्रुप में डाल देता हूँ। मैं भूल गया था आपको भेजा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं ना वो टीचर्स के, हैप्पी टीचर्स डे के। सर हमारी तरफ से भी हैप्पी टीचर्स डे सर, थोड़ा लेट हो गया। थैंक यू वेरी मच सर। उसके लिए कि मैं मोबाइल जो है बहुत ज्यादा ये चल रहा है, हैंग चल रहा है। नया ले लो सर। सर नया ही है, लेकिन कह रहे जब 50,000 मैसेज आ जाएगा तो सबकी हालत टाइट हो जाएगी सर, कोई मोबाइल नहीं है। और इसमें वीवीए लगा दीजिए। सिंह जी आप ऐड हो गए ना ग्रुप में? हाँ सर देख गया सर। चलिए अब सही रहेगा ना, ग्रुप बनाया हुआ है। चलिए क्या कर सर, इतने सारे विवाद सर में होता है ना, एक्सेल के अलावा कुछ याद ही रहता है। माफ कीजिएगा क्योंकि मैं तो दो तीन बार आपको भूल गया हूँ, दो तीन बार भूल गया हूँ सर, मेरी गलती है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। बट आप जूम ज्वाइन नहीं करते, जैसे कोई जूम ज्वाइन करता है ना मुझे यहाँ पे मेल आ जाता है, जो भी जैसे भी देखे वैभव जी ने ज्वाइन किया मेरे पास मेल आ गया कि हाँ वैभव ज्वाइन वेट कर रहा है, जैसा ज्वाइन करेंगे मेरे पास आ जाएगा, अगर मैं लॉग इन नहीं हूँ तो भी कंफर्मेशन आ जाएगा और मेल पे तो मैं रहता ही हूँ हमेशा। ओके चलिए वापस बैक टू टॉपिक। मैं सिंह जी, मैं दिल सिंह जी, मैं आपको बता देता हूँ मोटा मोटी हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम है इनकी, हमारे जो आपके जो बैचमेट है नवीन सिन्हा जी, उनकी एक प्रॉब्लम है, उसी पे डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि टॉपिक थोड़ा सा आगे का था बट इसमें मिक्सअप है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता देता हूँ, सबको बता देता हूँ, और इनकी जरूरत भी थी। तो टॉपिक ये है कि इनके पास फाइल है राइट, एक फोल्डर में बहुत सारे फाइल है, फिलहाल उन्होंने चार दिया है बट ऐसे 400 फाइलें हो सकती है। उन सारे फाइलों का डेटा एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे कॉपी पेस्ट करना है विथ फाइल नेम, कहा इस डेटा शीट के यहाँ पे राइट सर। प्रॉब्लम समझ आ गया? अब सोल्यूशन में, सोल्यूशन में मैंने क्या किया, DIR फंक्शन लगाया। DIR फंक्शन क्या होता है कि इसमें आपको एक लोकेशन है, मतलब एक फोल्डर में आप यहाँ देख सकते हैं कि किसी एक्सटेंशन का या किसी पर्टिकुलर शॉर्ट नेम का, मान लीजिए पूरा नेम नहीं पता, आपको पता है कि डेटा नाम हो सकता है, डेटा के बाद आगे जो है डेट या कुछ नंबर होते हैं, बट डेटा होता है उस फोल्डर में। तो यहाँ की लगा सकते हैं सर, सॉरी बीच में रोक रहा हूँ, एक बार मुझे परमिशन दे दोगे रिकॉर्डिंग का? जी हाँ जी जरूर। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं इसमें सिर्फ हम एक्सटेंशन ही नहीं दे सकते, हम यहाँ पे फाइल का इनिशियल वर्ड दे सकते हैं, जो हम सम इफ काउंट इफ जैसे फॉर्मूले में लगाते हैं ना। अभी क्या होगा, एंड विथ फिर होता है स्टार्ट विथ कंटेन, ये चीजें भी आप कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो क्या होगा कि उससे रिलेट जितने भी फाइलों की लिस्ट होगी वो सारे फाइलों का लिस्ट जो है DIR अपने पास रख लेगा। पर DIR प्रॉब्लम क्या है कि एक बार में एक ही फाइल नेम देगा। तो यहाँ पे हमने लूप लगाया, हमने बोला कि जब तक SN जो है ब्लैंक ना हो तब तक लूप चलता रहे, और दूसरे फाइल नेम के लिए, तो एक फाइल नेम मैंने यहाँ ले लिया तो दूसरा फाइल नेम के लिए हमने यहाँ पे SN इक्वल टू DIR किया, तो इसके अंदर दूसरा फाइल नेम आ जाएगा। फिर वापस उसको हम ओपन करेंगे, उसमें से डेटा कॉपी करेंगे, फिर वो तीसरा फाइल कर देगा, फिर चौथा फाइल कर देगा, ऐसे ही वो करता जाएगा जब तक कि पूरा फाइल खत्म हो जाता है। जब पूरा फाइल खत्म हो जाएगा तो इसके ऊपर ब्लैंक डाल देगा। अब दो फाइल देखेगा कि SN अगर ब्लैंक के बराबर हो गया मतलब इसको लूप खत्म करके बाहर आना है। तो हमने, हमारे पास जो फाइल नेम है कहाँ, SN के ऊपर है, तो हमने बोला कि वर्कबुक डॉट ओपन और SN को ओपन करो। उसके बाद हमने बोला कि पहली शीट को सिलेक्ट करो, फिर हमने बोला कि A1 पे जाओ
और करेंट रीजन को कॉपी करो। अब कॉपी हो गया, अब मुझे जाना है कॉपी फाइल, एसएल करके फाइल है हमारा, कॉपी फाइल दिखा है ना, इस पे आना है, इस शीट पे आना है। तो क्या कोड लिखेंगे यहाँ पे, वीर सिंह जी आप बताइए। एक्टिव शीट, हमने वर्कबुक को ओपन कर लिया, हमने पहले शीट पे चले गए, हमने डेटा को कॉपी कर लिया, अब मुझे दूसरे शीट पे आके डेटा पेस्ट करना है दूसरे फाइल पे। तो सीट का नाम देंगे सर, सीट से? नहीं, गलत बोल रहे हैं आप, गलत बोल रहे हैं। शीट को एक्टिवेट करना पड़ेगा ना सर, सो शीट जो भी रहेगा उसका नाम देकर डॉट, पहले फाइल को तो एक्टिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि फाइल एक्टिवेट कौन है, जो फाइल ओपन हुआ है वही तो एक्टिवेट है। हमें सबसे पहले फाइल एक्टिवेट करना होगा ना, तो फाइल एक्टिवेट का कोड क्या बताया था मैंने आपको वैभव जी? वर्कबुक का है सर, अभी पूरा कोड बताइए ना, वर्कबुक तो पता चल गया है कि यार आपने तुक्का मार दिया कि वर्कबुक करना है तो वर्कबुक ही होगा, पूरा कोड बताइए। नहीं, नीड टू प्रैक्टिस, ऐसे नहीं चलेगा सर, बोल ले जाइएगा तो प्रैक्टिस करना चाहिए सर, प्रैक्टिस नहीं है मेरा इसीलिए प्रॉब्लम है। प्रैक्टिस कीजिए, सुबह 6 बजे का बैच है, आ जाइए, शुरू से स्टार्ट है। 6 बजे तो मेरा, ओके करता हूँ सर, मॉर्निंग 6 बजे शुरू से बैच है। ओके, अतीश जी, नवीन जी आप बताइए, आप दोनों आदमी क्या लिखेंगे इसे कोड? फाइल ओपन करना, फाइल में नहीं, फाइल तो ओपन है ना, हमने क्या किया, फाइल ओपन किया, डेटा को कॉपी कर लिया, अब मुझे इस वाले फाइल से आना है और आने के बाद यहाँ पर आके पेस्ट करना है, कॉपी एफएल करना पड़ेगा ना सर? तो सर वो जो फाइल है वहां पे जाने के लिए हमको workbooks.open वाला ही कोड लिखना पड़ेगा? नहीं जी, वो फाइल तो ओपन है ऑलरेडी, ओपन है तभी तो कोड रन हो रहा है हमारा, उसी फाइल में तो कोड है, यहाँ पे कॉपी फाइल में तो कोड है। ओके, यहाँ लिखेंगे कॉपी, ये आपको वर्कबुक के क्लास में बताया था मैंने, sl.xlsm डॉट एक्टिवेट, भूल गए सर, मैंने वही बोला था ना, वर्कबुक एक्टिवेट, वर्कबुक डॉट एक्टिवेट आ गए। उसके बाद हम जाए, उसके बाद सीट, आप डायरेक्ट शीट बोल रहे थे, एक्टिव शीट एक्टिव शीट कर रहे थे कोई आदमी, डेटा डॉट सेलेक्ट, उसके बाद होगा रेंज 65,000, क्योंकि सबसे नीचे जाना ना, एक के नीचे करना है तो नीचे भी तो आना पड़ेगा। यस सर, यस सर। एंड एक्सलेस अप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट पेस्ट स्पेशल, उसके बाद अगर पेस्ट वैल्यू करना है, कुछ और करना है, फॉर्मूला करना है, इसको सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने पेस्ट स्पेशल मतलब कि पेस्ट ऑल कर, तो क्या होगा कि पेस्ट यहां तक कर देगा, राइट? अब मुझे इसमें फाइल नेम भी देना है, मान लीजिए ना कि इसमें इतना फाइल, इतना आइटम को डाल दिया, अब मुझे इसमें इसका फाइल नेम यहां देना है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहां पे रेंज, ध्यान से देखिएगा सर, रेंज f65,000 डॉट एंड एक्सलेस अप डॉट ऑफसेट 0,1 डॉट सेलेक्ट, मतलब कि ये नीचे से एस कॉलम में ऊपर जाएगी फिर बगल में आए, तो ऑफसेट में हमने क्या दिया हुआ है, रो 0 है, रो चेंज नहीं करना है, हमें कॉलम आगे जाना है। उसके बाद फिर हमने बोला कि रेंज एक्टिव सेल और फिर एक्टिव सेल डॉट एंड एक्सलेस अप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट वैल्यू इक्वल टू fn। अब बोलेंगे सर एक्टिव सेल क्या, तो जिसे एक कोड जो है, एक कोड क्या करेगा, कर्सर को लाके यहां छोड़ देगा, तो मुझे कंट्रोल शिफ्ट के साथ ऊपर जाना है, तो अगर हम यहां तक लगाएं
यहाँ तक करते हैं ऑफसेट ना लगाया तो क्या होगा, हेडिंग को भी ले लेगा, ले लीजिए हेडिंग को, लेकिन मुझे हेडिंग से एक नीचे आना है, हेडिंग से हमें एक नीचे आना है, तो इसमें हमने ऑफसेट दिया जीरो, मतलब कि हमने दो कोड किया, ये हमारा रेंज का स्टार्टिंग पार्ट हो गया, ये हमारा रेंज का एंडिंग पार्ट हो गया, उसकी वैल्यू इक्वल टू एफ एन कर दिया। तो सर इसमें सिलेक्शन डॉट एंड करके कर सकते हैं सिलेक्ट? सर सिलेक्शन हम तब करते हैं जब हमारे पास एक से ज्यादा सीट सेल्स होता, तो फिलहाल मेरे पास एक ही सेल है ना, इसलिए सिलेक्शन डॉट एंड मैंने एक्टिव सेल से कर लिया। अगर सिलेक्शन भी आप दे सकते हैं बट सिलेक्शन ना दे, एक्टिव सेल से चले तो सही रहता है। ओके सर, क्योंकि यहाँ एक ही सेल है ना, एक से ज्यादा सेल होता तो सिलेक्शन कर। यस सर। देखिए तो एक्टिव सेल सिर्फ सिंगल सेल के लिए होता है, और सिलेक्शन सिंगल और एक्टिव सेल सिंगल और मल्टीपल दोनों के लिए होता है। ओके सर, ठीक है, तो एस एन हो गया। अब अगेन यहाँ पे एफ एन डी आई आर करेगा और लूप को रन करेगा, जब लास्ट में जब देगा एम इसको, हाँ फाइल क्लोज करना होगा ना, माफ कीजिएगा, नहीं तो सर 40 फाइल है, 40 फाइल ओपन हो जाएगा, फाइल हैंग हो जाएगी आपकी, तो हम इसमें सबसे पहले फाइल को क्लोज करते हैं। तो वर्क बुक्स कौन सा लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, एफ एन, क्योंकि तो फाइल जिसको क्लोज करना है, जिसको हमने ओपन किया है, इसको ओपन किया है ना डेटा फाइल, एफ एन था डॉट क्लोज, और यहाँ पे कर देंगे फॉर, क्योंकि तो हमें सेव करना ही नहीं है, तो क्यों खावा का थ्रू कर, तो फाइल को क्लोज कर दिया, समझ आ गया। yes. अब चलिए इसको एक बार डेमो लेते हैं। हाँ मैसेज तो दिया ही ना, एम एस जी बॉक्स डेटा कॉपी, अब चलिए एक बार इसको स्टार्ट रन करते हैं। माइक्रो गेट डेटा, अब इसमें हेडिंग भी पेस्ट हो रही है सर, हेडिंग भी पेस्ट हो रही है, इसको कैसे करें? तो इसके लिए सोचना होगा, क्या सोचना होगा कि जब इसको डेटा को कॉपी करते हैं, कॉपी करके जब यहां हम पेस्ट करते हैं, तो हमारा एक्टिव सेल कौन होता है सर? एक्टिव सेल हमारा हेडिंग वाला ही तो होता है, तो क्यों ना मैं कॉपी करते समय यहाँ जो हमने कॉपी किया, ए यहाँ कॉपी किया पेस्ट किया, तो यहाँ पे कर देते हैं एक्टिव सेल। अब एक्टिव सेल एक पर्टिकुलर सेल तो डिलीट नहीं होता है, पूरा रो डिलीट करना है ना, तो इसे एंटायर रो देना पड़ेगा डॉट डिलीट, अब परफेक्टली वर्क करेगा। अनिल जी हो गया सॉल्व? जी सर। सर एक और भी है कि अगर मेरे पास एक्चुअली लाखों में जाता है ये डेटा, तो हाँ। अगर मैं इसको टेक्स्ट कॉलम करूंगा, मुझे सिर्फ डी चाहिए था, फर्स्ट का टू लेटर, तो ये कॉप डेटा और बैट ये सब नहीं चाहिए। अच्छा, था इसमें तो आप चाहते हैं इसको इसकी फर्स्ट टू लेटर चाहते हैं? हाँ, एन वाई साइट, डेलावेयर साइट, इलिनॉय साइट, लाइक दिस only two letters. तो उसके लिए आप यहाँ पे कर दीजिए लेफ्ट का फॉर्मूला, लेफ्ट का फॉर्मूला तो VBA को सपोर्ट करता है ना, कॉमा टू, ओके हम एक बार रन आउट कर देता हूँ, सही है ना सर? सही है, सही है। तो एक कोड में आप लोगों को भेज देता हूँ। और सर और है कि अभी सर बंद होने वाला है, फाइल आता है, 40 मिनट हो गया, जो मेल आता है ना क्लाइंट, क्लाइंट से जो मेल आता है सर, इसमें दो तरह का रिपोर्ट आता है, एक काम आया उसका रिपोर्ट, एक जो काम किया गया उसका रिपोर्ट। तो जो मुझे काम किया गया उसका रिपोर्ट में ऑप्स डेटा बोलते हैं, डेटा ये जो कॉप डेटा लिखा हुआ है, और काम जो आता है उसको बैच स्टेट बोलते हैं।
मुझे सिर्फ कॉप डेटा ये तो मैं कर लूंगा, थोड़ा सा एक स्टेप मुझे और हो जाए। पहले इसको कीजिए ना, वन बाय वन चलते हैं, पहले इसकी एक एक चीज को फॉलो कीजिए, ठीक है ना। मैं आप लोगों को ये मैसेज कर देता हूँ, ठीक है, एक कोड व्हाट्सएप कर देता हूँ और रिकॉर्डिंग में थोड़ी देर में अपलोड कर देता हूँ। ओके बाय, गुड नाइट। अच्छा।